दोस्तों, शायद आपको पता हो या ना पता हो, हम आपको बताते हैं कि बुध ग्रह जो है वो कर्क राशि में 29 जून को गोचर करने वाले हैं। बुध जो ग्रह है या बुध देव है, वो अपनी खुद की राशि मिथुन राशि से निकलकर 29 जून के दिन चंद्र देव की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि में बुध 19 जुलाई तक रहेंगे। इसी समय जो अंतराल है उसके दौरान सूर्य देव भी कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में सूर्य और बुध की युति कर्क राशि में होने वाली है, जिससे 29 जून के बाद बुध आदित्य राजयोग बनेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। व्यापार और कैरियर में विशेष सफलता दिलाने में बुध की बहुत अहम भूमिका होती है। यदि बुध देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन जाए, तो ऐसे में आपको सफलता पाने में या कैरियर में सफल होने में, व्यापार धंधे में या धन प्राप्ति करने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं 29 जून से 19 जुलाई तक का जो समय है वो किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बुध गोचर का बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। बस आपको किसी को सिर पे नहीं चढ़ने देना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहें। परिवार से आपको कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। वाहन और मकान के योग बन रहे हैं। यदि आप नया मकान प्लानिंग कर रहे हैं या वाहन सुख आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में योग बन रहे हैं वाहन और मकान प्राप्ति के। इसके अलावा मानसिक रूप से आपको थोड़ा मजबूत बनना है। किसी बात की चिंता हो तो चिंता व्यर्थ में करेंगे, इसलिए चिंता आपको नहीं करनी है। चिंता को आने जाने दीजिए। मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत रखिए। अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को बुध गोचर का बहुत बड़ा असर या प्रभाव देखने को मिलेगा। आप में नई ऊर्जा, नया विश्वास कायम होगा आपके जीवन के अंदर, जिसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। बस आपको कार्य में लगे रहना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, तो अपनी तैयारी अच्छी रखें। यदि आपकी राशि कन्या है, तो कन्या राशि के जातकों को बुध गोचर का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी, आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनने के शीघ्र योग बन रहे हैं। सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, यदि आप लगन से कार्य कर रहे हैं, सच्चे मन से कार्य कर रहे हैं। आपको अपने परिवार वालों का, घर परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपको उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए यह जो समय है वो वरदान से कम नहीं होगा, और इसलिए आपको कोई बड़ा काम करना है तो आप सोच सकते हैं, बड़ी डील करनी है या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कब शुरू करें, तो यही अच्छा आपके लिए समय है। यदि आपको सफलता पानी है, विजय प्राप्ति करनी है कार्य क्षेत्र के अंदर, मकान वाहन खरीदने का आपको भी योग बन रहा है मेष राशि वालों की तरह। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको भी इनकी सुख की या मकान या वाहन सुख की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। मान सम्मान में आपके पूर्णतया वृद्धि होगी, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए यह जो गोचर है, बुध गोचर, वो बहुत अच्छा शुभ रहने वाला है, और ऐसे में यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि आप प्रेम संबंध में सफलता पाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार दूसरी राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है यह है, तो इसलिए चिंता आप ना करें कि इन पांच राशियों के बारे में ही हमने बताया। कुछ ना कुछ आपको अच्छा अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप कार्य पूरी लगन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि कोई भी हो, अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें, रोजाना पूजा अर्चना करें और अपने कार्यों में आप लगे रहें, जुटे रहें। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, तो इस बात का पालन करते हुए आप अपनी जीवन में आगे बढ़े।
और आपको निश्चित रूप से आपको भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि शीघ्र प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।